डी टी एस सिस्टम टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द सेटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस यह एक तरह से सेटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस है जो कि आपका डी टी एस टेक्नोलॉजी है इज एक्चुअली इंटेंडेड फ्रॉम द होम रिसिप्सन जो कि वास्तव में आपका बनाया गया है कि घरों के रिसीव रिसिप्शन के लिए जो घरों में आप यूज कर सकें डेली यूज के लिए जो आपका सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस है उसी के लिए डायरेक्ट होम डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी को बनाया गया और डेवलप किया गया डेटिया सिस्टम को ठीक है आगे देखेंगे कह रहा है कि द टेक्नोलॉजी इज ओरिजिनली रिफर्ड टू द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यह जो हमारी टेक्नोलॉजी थी यह ओरिजिनली रिफर्ड की गई थी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डी टेक्नोलॉजी इसको आप ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट डी टेक्नोलॉजी और ये इंपॉर्टेंट भी है तो वहीं से इसको जनरली रिफर्ड किया गया था ठीक है तो आगे हम देखेंगे आगे हमारा क्या कह रहा है आगे कह रहा है द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड फॉर द कंपेटिंग द लोकल टी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज़ बाय प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी सैटेलाइट सिग्नल विद मोर नंबर ऑफ चैनल यह टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जो लोकल में केबल ऑपरेटर्स थे जो जो पैसा लेके आपको केबल प्रोवाइड कराते थे उनकी पिक्चर क्वालिटी भी जो है बहुत ख़राब होती थी तो इसने डी सिस्टम ने हायर क्वालिटी के सेटेलाइट सिग्नल्स को आपके टीवी पे भेज के आपकी पिक्चर क्वालिटी को भी क्लियर किया और यह आप आगे भी आप इसका एडवांटेज देखेंगे तो क्या क्या फ़ायदा हुआ और दूसरी बात चीप भी हुआ सस्ता भी हुआ ज़्यादा नंबर्स के चैनल जो है आपको मिले ज़्यादा नंबर चैनल मिले ठीक है आगे कह रहा है कि इन शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे डी रिफर्स टू द रिसेप्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल ऑन द टीवी विद अ पर्सनल डिस इन द इंडिविजुअल होम तो हर घर में यह डी एक रिफर्स करता है रिसेप्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल जो सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करता है टीबी के साथ जो कि टीवी के साथ एक पर्सनल डिश होती है आपकी अपनी टीवी उस टीबी के साथ एक पर्सनल डिश और हर एक घर में डिस्क के द्वारा यह टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है जो कि वास्तव में सैटेलाइट सिग्नल की ब्रॉडकास्टिंग होती है आगे देखेंगे आगे कह रहा है कि द सेटेलाइट दैट आर यूज दर्पज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो ये सैटेलाइट जो कि यूज़ किया जाता है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में डी टी सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग में वो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होती है और इससे पहले हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में जियो स्टेशनरी पढ़ चुके हैं कि जियो स्टेशनरी क्या होती है कि वह तीन ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो होल ग्लोब को कवर करती हैं और उनका एक सैटेलाइट का कवरिंग एरिया 120 डिग्री होता है तो वो तीनों सैटेलाइट मिलके 120, 120 प्लस 120 प्लस 120 पूरा होल ग्लोब मतलब 360 डिग्री कवर करती हैं तो आगे हम देखेंगे तो वो जो कि डी सिस्टम में जो भी सैटेलाइट हमारी यूज़ की गई वो सैटेलाइट हमारी होती है जियो स्टेशनरी आगे बात कर रहा है कि द द सैटेलाइट कंप्रेस सिग्नल डिजिटली देम एंड देन इट बीम फ्रॉम दटेलाइट कम्प्रेस दिग्नल डिजिटलीडर सैटेलाइट तो जो आपका सैटेलाइट होता है वो सिग्नल को कंप्रेस करता है डिजिटली और इनक्रिप्ट बीम इंक्रिप्ट बीम जो होता है कुछ उसमें कोडेड बीम जो होता है उसको हाई पावर पी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को जो है भेजा जाता है आगे कह रहा दे आर रिसीव बाई डिस एट द डायरेक्ट होम कंज्यूमर जैसे कि आपके यहाँ पर डिश से रिसीव किया जाता है जो कि बीम आपका सैटेलाइट से भेजी जाती है वो आपके घरों में डिसो के द्वारा रिसीव किया जाता है आगे अब आपको समझने वाली बात होगी डी मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स और डी डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी ये दोनों एक ही सर्विस को प्रेजेंट करते हैं लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनकी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इनके डिफरेंसेस हैं, उसको देखते हैं कह रहा है कि वाइल डी एस बी बी इज यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड द बैंड डिफर्स फ्रॉम द ईच कंट्री जो कि डीबीएस होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट से यूज किया जाता है जो कि पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होता है कुछ निश्चित फ्रिक्वेंसी पर होगा और वो हर एक देश के लिए अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी डी को ट्रांसमिटिंग सिग्नल ओवर द वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत दूर रेंज में बहुत ज़्यादा ही रेंज के लिए डी टी एच को फ्रिकवेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है और यह यूज़ किया जाता है के यू एंड के ए बैंड में तो के यू और के ए बैंड हम इससे पहले माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का बैंड पढ़ चुके हैं ये सारी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको पता है जो के यू बैंड होता है वो अट्ठारह गीगा हट से आप सॉरी बारह गीगा हट से अट्ठारह गीगा हट्स का होता है और अट्ठारह से सत्ताईस गीघा हट्स का के बैंड होता है और सत्ताईस से चालीस गीघा हट्स का आपका होता है के ए बैंड तो ये आपका बारह से अठारह गीगा हट्स का जो के यू बैंड है उस पर काम करता है फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करता है और के ए बैंड जो सत्ताईस गीगा हट से चालीस गीगा हट्स का होता है उसके बीच का ये यूज़ करता है उसके बीच की फ्रीक्वेंसीज को इंक्लूड करके ये यूज़ करता है ठीक है आगे बात कर रहा है

द ट्रांसमिशन फॉर्म एनालॉग टू डिजिटल देखिए अब जो डी डीबीएस आपका होता है मतलब कि डीबीएस जो है चेंज करता है अपने प्लानों को कुछ साल बाद और नई नई कंट्रीज़ को उसमें मॉडिफाइड करता रहता है जो है ट्रांसमिशन को एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में करने के लिए लेकिन बट डी टी एस इज़ मोर फेमस फॉर द सर्विसेज इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सर्विसेज अब देखिए वो तो एनालॉग टू डिजिटल ही था लेकिन जो आपका डी टी एच डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी ये दोनों एनालॉग एंड डिजिटल सर्विस देने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसमें दोनों तरह के सिग्नलों का जो है सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है इधर द वीडियो इधर द ऑडियो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपके अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी डिश है फ्री डिश की बात कर रहा हूँ फ्री डिश अगर आपके यहाँ जो फ्री डिश दूरदर्शन की है तो उसमें भी दो आपको मिलते हैं ऑप्शन एक तो आपकी टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है जो फ्री चैनल्स होते हैं वो भी दिखते हैं और जो जो क्या कहते हैं कि डीडी फ्री डिश होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फ्री चैनल है वो भी दिखेगा और उसमें आपका एक और ऑप्शन होता है एफ एम रेडियो का तो उसमें जो है आपका ऑप्शन होगा एफ एम रेडियो का तो उससे ऑडियो का भी जो ट्रांसमिशन दोनों इसमें होता है किसमें होता है आपका होता है डी टी एच सिस्टम ठीक है तो आगे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट ये बात कर रहा है नेक्स्ट कह रहा है द द फॉर सर्विस आल्सो वेरी स्मॉल आप देखे हैं, कोई बताने वाली चीज़ नहीं कि छोटी होती हैं। बड़ी डिश की जरूरत नहीं आपके यहाँ छोटा छत है या आप दीवार पे लटका सकते हैं या कहीं भी छप्पर पे कहीं भी रख सकते हैं तो वो पूरा आपके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के बनाया गया वो ऐसा डेवलप किया गया है कि मध्यवर्गीय मैं एकदम निम्न वर्गीय एवं उच्च वर्गीय सारे परिवारों के लिए वह फिट बैठे उनके कॉस्ट में बैठे और उनके लिए ही यह डिजाइन किया गया इस वजह से और छोटा भी बनाया गया तो ये सारे एडवांटेज हैं डिस डायरेक्ट टू होम डी के ये सारे आप अभी आगे देखेंगे तो ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं ठीक है तो नेक्स्ट कह रहा है वेन द कम्स टू द दमर्शियलर्स यूज जब यह यूज की तरफ चलता है तो डीबीएस एज द द सर्विस प्रोवाइडिंग अ ग्रुप फ्री दैट आर अलाउड फॉर टारगेट कंट्री तो डीबीएस जो होता है यह अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है ग्रुप ऑफ फ्री चैनल्स का जो कि अलाउ होते हैं इट्स टारगेटेड कंट्री जो कि टारगेटेड कंट्री में अलाउज होते हैं ठीक है चलिए अब हम आगे बात करेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि इसमें जो है आप शुरू करेंगे हम कि डी टी एच इन इंडिया भारत में डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी का विस्तार कब से हुआ भारत में आज आप देखेंगे हर घर पे डिश है तो भारत में किस तरह से शुरुआत हुआ और किस तरह से क्या सब कुछ हुआ इस इसमें आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डी टी एच सर्विस प्रोवाइड इन वर्ल्ड भारत जो है डी टी एच सर्विस बहुत ही बड़ा बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है विश्व का द रिक्रूटमेंट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ़ द व्यूअर तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पॉपुलेशन है आपको सबको पता है ये तो बहुत पॉपुलेशन है और यहाँ टी वी देखने वाले बहुत हैं व्यूवर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और द लो कास्ट ऑफ डी टी एच वेन कंपेयर टू द लोकल केबल प्रोवाइडर इज़ वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द सस्टेनबल ग्रोथ तो इसकी ग्रोथ का एक और कारण है जैसे कि मैंने बताया जो आपको लोकल सर्विस प्रोवाइडर है जो लोकल केबल सर्विस प्रोवाइडर थे ये बड़ा पैसा लेते थे और बिना पैसा के चैनल मिलता नहीं था और इनकी क्वालिटी भी ख़राब होती थी और कम चैनल मिलते थे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारा दूर किया डी ने पहला क्या किया कि डी ने पैसा कम पैसे कम कम पैसे में ज़्यादा चैनल दिए क्वालिटी अच्छी की अच्छी तो इसी वजह से इसका सबस्टेशनल ग्रोथ जो है डी का भारत में बहुत तेजी के साथ हुआ फिर कह रहा है इन इंडिया द डीटीएच रिक्रेट इज मोर देन द एनी कंट्रीज पॉपुलेशन व्यूज एट द वेरी हाई रेट तो पॉपुलेशन व्यूअर्स भी हो रहे थे बहुत हाई रेट से बढ़ रहे थे इस वजह से डी टी एच के रिक्रुटमेंट भारत में बहुत तेजी से बढ़े अन्य देशों के अपेक्षा ठीक है तो पहली बार इंडिया के पास ये आइडिया आया उन्नीस सौ छियानवे में और यह अप्रूव किया गया कंसर्न करके नेशनल सिक्योरिटी द्वारा यह अप्रूव्ड किया गया किससे कंसर्ट करके नेशनल सिक्योरिटी द्वारा तो यह ध्यान देने वाली बात है और यह जो है ला चेंज किया गया 2000 में सन 2000 में डीटीएच को मान्यता मिली तो भारत में बहुत ही जीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डी टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तो डी की शुरुआत भारत में कब हुई तो डी को जो है भारत ने मंजूरी दी सन दो में ठीक है तो 2000 से एक लॉ बना जिसके द्वारा डी को अलाउ किया गया सन 2000 में नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल नए रूल के अनुसार डी टी एच प्रोवाइड रिक्वायर टू सेट अ न्यू स्टेशन तो जो डी प्रोवाइडर हो गए जैसे डिश टी डाटा स्काई और सारे होते हैं उन लोगों को एक नया स्टेशन की ज़रूरत होगी जो कि 12 महीने का ट्वेल्थ लाइसेंस उनके पास होगा 12 मंथ ऑफ गेटिंग द लाइसेंस तो 12 महीने का लाइसेंस होगा और द कॉस्ट ऑफ लाइसेंस इज ऑलमोस्ट जो लाइसेंस का कास्ट होगा ये ध्यान देने वाली बात है वो 2.15 मिलियन डॉलर होगी ठीक है यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको डी प्रोवाइडर बनना है आपको डी प्रोवाइडर के लिए आपको नया स्टेशन लेना पड़ेगा फॉर मंथ ऑफ लाइसेंस एंड 2.15 मिलियन डॉलर रुपए भारत में आपको लाइसेंस के लिए देना होगा जो कि 10 साल का होगा आगे आपको फिर से रिन्यूअल कराना होगा ऐसा नहीं है कि एक बार आप ले लिए स्टेशन फिर जिंदगी भर का हो गया आपको सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगा फिर मार्केट कैसी है क्या कैसी है आपको फिर से रिन्यूअल कर, कराना पड़ेगा ठीक है तो अब आगे कह रहा है कि द लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट द 25% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन भारत का 25% टोटल पॉपुलेशन जो है टी क्या कहते हैं डी का यूज कर रहा है डी की फैसिलिटी को यूज कर रहा है बाकी सारे और जो बचे हुए पॉपुलेशन है वो लोकल टी वी का यूज करते हैं ठीक है चलिए अब शुरू करेंगे हमारा है सम ऑफ द काम डी प्रोवाइडर इंडिया ऑफ इंडिया तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है ये आपको सब पता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आ गया है कि जो है देख लीजिए कुछ थोड़ा सा कितने से प्रोवाइडर हैं जो भारत में जो है डी सिस्टम के डी टी ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड कराते हैं तो कोई बताने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा थोड़ा ऐसे आपको देखा टाटा स्काई बिग टीवी सन डायरेक्ट डीटीएच टी एच डिस टी वी एयरटेल डी टी एच वीडियो कॉन डी और डी डी फ्री डिश जिसको बोलते हैं डी डी फ्री डिश जो हमारे यहाँ वही ज़्यादातर है तो डी डी फ्री डिश ये सारा आपके यहाँ जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ तक रही बात जो सर्विस प्रोवाइडर इन द इंडिया डी में अब आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ डी हमारा डी किस तरह से वर्क करता है ये हम देखेंगे तो वर्किंग जाने के लिए डी का सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखेंगे ये आपका रिसीवर है आपके घर की टीवी है ठीक है ये रिसीवर दिखाया गया है ये आपका डिश है जो आप अपने छत पे लगाया है डिश से सिग्नल जो मिल रहा है डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से मिल रहा है और वह सैटेलाइट जो डी वी एस प्रोवाइडर ब्रॉडकास्ट सेंटर है उससे भेजी जा रही है और उससे पहले ये प्रोग्रामिंग सोर्स के द्वारा एक बार अपलिंक किया गया फिर डाउनलिंक करके डी प्रोवाइडर के पास आया फिर से इसने सैटेलाइट के पास ट्रांसमिट किया इसके बाद आपके घरों में जो भी आपने देखा आप जो भी देख रहे हैं वो दिख रहा ठीक है तो ये रहा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी टेक्नोलॉजी अब देखेंगे फॉर द डी नेटवर्क टू बी ट्रांसमिटेड एंड एंडीव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नीडेड तो आपको डी अगर ट्रांसमिशन नेटवर्क का ट्रांसमिटर और रिसीविंग का नेटवर्क बनाना है तो क्या क्या जरूरत होगा सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जहां से आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो वो सेंटर की आवश्यकता हो होगी दूसरा सैटेलाइट इससे पहले हमने देखा सैटेलाइट किस टाइप का होगा सेटेलाइट हमारा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगी ठीक है नेक्स्ट हमारा यूज़ पड़ेगा इनकोडर जिस मैसेज को हम भेजेंगे उसको इनकोड करके भेजेंगे कोडेड फॉर्म में भेजेंगे नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है इट मल्टीप्लेक्सेस द कई सारे सिग्नलों को एक ही में मल्टीप्लेक्स करके भेज देता है नेक्स्ट है मॉडुलेटर मॉडुलेटर क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर वेव को के ऊपर जो कम फ्रिक्वेंसी का ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको सुपर इम्पोज करा के मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है और डी टी एच रिसिवर जो कि आपके घरों पर यूज होता है तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं किसके लिए अगर आप डी का यूज कर रहे हैं डी का वो बना रहे हैं ठीक है तो चलिए आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या कहा रहा रहा है है आगे कह कह इट मस्ट बी नोटेड दैट आर ब्रॉडकास्टिंग सेंटर आर नॉट क्रिएटेड बाय द डीटीएच प्रोवाइडर जो कि चैनल जो कि ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये डी प्रोवाइडर के द्वारा नहीं क्रिएट किया जा रहे हैं ये तो चैनल के हैं तो जो डी प्रोवाइडर है पे द कंपनीज लाइक एच बी ओ सोनी मैक्स तो जो सारे टी वी चैनल जो आप देखते हैं वो डी टी एच प्रोवाइडर उनको पे करता है जैसे सोनी मैक्स हुआ एंड सो फॉर राइट टू ब्रॉडकास्ट देयर चैनल टू द डी टी एच कंज्यूमर थ्रो सेटेलाइट तो यह उनसे अधिकार लेता है कि भैया आप लो आपको पैसा दे रहे हैं आप अपना चैनल दीजिए आप अप मुझे अधिकार दीजिए कि मैं आपके चैनल को अपने डी टी एच पे दिखा पाऊँ ठीक है जैसे आप केबल ऑपरेटर से पहले क्या कहते थे भैया इतना पैसा मेरा लो मुझे चैनल दो तो यही काम आप जब डी वाले को पैसा देंगे तो वही आपका पैसा डी प्रोवाइडर उन सारी कंपनी सारे चैनलों से देगा और कहेगा भैया हमको अपना दिखाने का पैसा दीजिए ठीक है तो आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि दस द डीटीएच प्रोवाइडर एक्ट्स एज अ मीडिएटर आर ब्रोकर बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोग्राम्स तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉक डायग्राम में देखा जैसे ब्लॉक डायग्राम में फिर से आपको दिखाता हूँ तो देखिए इन्होंने मान लीजिए सोनी मैक्स वाले हैं इन्होंने प्रोग्राम सोर्स से दिया मैसेज अब यहाँ कहाँ पहुँचा अब ये सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुँचा मतलब अब ये टाटा स्काई के पास पहुँचा तो टाटा स्काई ने सैटेलाइट के थ्रू आपके घर भेजा तो आप पैसा टाटा स्काई को दे रहे हैं ना कि आप डायरेक्ट सोनी को दे रहे हैं सोनी मैक्स को दे रहे हैं तो एक तरह से जो क्या कहते हैं कि आपका टाटा स्काई है ये ब्रोकर की तरह काम कर रहा तो ये आपका जो टाटा स्काई है ये एक तरह से आपका ब्रोकर का काम का किया बिचौलिए का काम किया इसने ठीक है तो यही बात कर रहा है कि यह मीडिएटर की तरह या ब्रोकर की तरह काम किया जो हमारे मतलब हम कंज्यूमर हैं जो हम कंज्यूमर हैं और प्रोग्रामी चैनल मतलब इसका प्रोग्राम हम देख रहे हैं आगे है द ब्रॉडकास्ट सेंटर इज द मेन पार्ट ऑफ द होल सिस्टम तो जो कि ब्रॉडकास्ट सेंटर है जहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है वह होल सेल सिस्टम का जो है मेन पार्ट है इट इज फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट स्टेशन दैट द सिग्नल आर सेंड टू द सैटेलाइट टू बी ब्रॉडकास्ट तो यहीं से जो है सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए सैटेलाइट को पास भेजा जाता है ब्रॉडकास्ट स्टेशन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द वेरियस प्रोग्राम चैनल और ब्रॉडकास्ट सिग्नल चैनल जो ब्रॉडकास्ट जहाँ पे स्टेशन होता है वह भी तो चैनल भाई वो चैनल तो जनरेट नहीं कर रहे हैं उनका काम है ब्रोकर का तो वो एक हाथ चैनल के सिग्नल को ले रहे हैं चैनल से एक हाथ से और दूसरे हाथ से अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करा दे रहे हैं तो एक तरह से इन्होंने बिचौलिए का काम किया आगे कह रहा है द सेटेलाइट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट सेंटर एंड कंप्रेस द सिग्नल एंड मेक्स देम सुटेबल फॉर द रिट्रांसमिट ऑफ द ग्राउंड देखिए हमने जब सेटेलाइट पढ़े थे तो उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों सेटेलाइट पढ़े थे पैक्सिव पैसिव सेटेलाइट होते थे एक तरफ से सिग्नल लिए दूसरी तरफ दे दिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर का काम किया ठीक है लेकिन जो एक्टिव सेटेलाइट होती थी वो ट्रांसमिट करती थी मैसेज को रिसीव सॉरी रिसीव करती थी कोई भी अगर आपको अपलिंक किया गया वो उस उसमें अगर कुछ भी लॉस हुआ है कुछ नॉइस आई है तो उसको सब खत्म करके और उसको ऐसा बनाए कि जो हमारा रिसीव करने वाला रिसीवर है वो आसानी से मैसेज को रिसीव कर ले तो वही काम ये कर रहा है तो इस यहाँ पर एक्टिव सैटेलाइट का जो जियो पहली बात जाना कि हमने डी सिस्टम में जियो स्टेशनरी का यूज किया जा रहा है और वह जो डी जो जियो स्टेशनरी है वह भी हमारी एक्टिव टाइप की सैटेलाइट है जो कि कंप्रेस कर रही है सिग्नल को और सुइटेबल बना रही है रिट्रांसमि ट्रांसमिशन टू द ग्राउंड और उसको रिट्रांसमिट कर रही है ग्राउंड पर ठीक है आगे देखेंगे आगे कह रहा है द डी टी एच प्रोवाइडर गिव रिसीवर टू द व्यूअर्स टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेटेलाइट तो जो डी टी एच प्रोवाइडर होते हैं वो डिस रिसीवर देते हैं व्यूअर्स को किस लिए क्योंकि आप रिसीव कर सके सिग्नल जो कि सैटेलाइट से भेजा गया है दे मे बी वन मल्टीपल सेटेलाइट दैट सेंड द सिग्नल एट द सेम टाइम तो आपको पता है कि वहां पर कई सारी सैटेलाइट हो सकती हैं जो कि सिग्नल को एक समय में एक ही साथ भेज रही हैं तो द रिसीवर रिसीव द सिग्नल फ्रॉम देम एंड पास टू द सेक्ट बॉक्स तो जो रिसीवर होता है वह उस मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है और सेक्ट बॉक्स को भेजता है रिसीवर एड इन दूवर हाउस जो आपके घर पर सेक्ट बॉक्स होता है वो डी से देखिए देखिएगा जो को एक्सीएल केबल आती है डी से वो को एक्सीएल केबल डायरेक्ट आपके सेक्टअप बॉक्स पे आती है एस टी वी उसको शॉर्ट में बोलते हैं तो उसी इस सेक्टअप बॉक्स में आती है और वो सेक्ट बॉक्स कनेक्टेड होता है आपके टी से तो आगे वाली लाइन यही बात कह रही है कि द सेक्टअप बॉक्स रिसीवर चेंज द सिग्नल फ्राम द सुटेबल फॉर द आवर टेलीविजन एंड देन पासिस इट टू दवर टी वी बस वही बात है कि सुटेबल बनाएगा टी वी के लिए और फिर ये टी वी के पास पास कर देगा फिर हम टी वी में उसको पिक्चर को विजुअलाइज फॉर्म में देख लेंगे ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ द डी टी एस टेक्नोलॉजी तो डी टी एस टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेज हैं उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि द मेन एडवांटेज ऑफ द दैट टेक्नोलॉजी इज इक्वलिटी बेनिफिशियल टू एवरी वन यह सब के लिए बराबर फायदा देता है एज अ प्रोसेस इट वायरलेस तो यह वायरलेस सिस्टम होता है तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी और सारे क्षेत्रों में वाइड एरिया है ना इसका वाइड रेंज है तो यह डी टी एस सिस्टम कई सारे रेंज में भी इक्वलिटी बेनिफिशियल देता है सबको बराबर बराबर की लाभ देता है और सब जैसा पहले की होता था कि अभी भी है अगर आप सिटी साइड में हैं तो अगर आप फ्री में दूरदर्शन का एक्सेस लेना चाहें तो सिर्फ एक, एक एंटीना कनेक्ट करा दिए टेलीविजन से मिल जाएगा लेकिन पहले जो होता था दूर दराज के गांव के क्षेत्रों में तो वहां से हमें कम सिग्नल मिलते थे तो झिलमिलाहट आती थी नॉइस आ जाते थे सिग्नल्स में तो क्लियर पिक्चर नहीं मिलता था क्लियर जो हमारा वीडियो होता नहीं दिखता था लेकिन यहाँ पे वो सारी समस्याएँ दूर हो गई डी प्रोवाइडर आप गाँव में हैं बिहार में है कहीं भी नहीं है कहीं भी है जहाँ से लेकिन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आप पृथ्वी पर कहीं हैं लेकिन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर किया हुआ है और कहीं भी आप जंगल में गांव में कहीं भी आप डी सिस्टम लगा के वही क्वालिटी आप वहाँ पे ले सकते हैं वही क्वालिटी जो सिटी में मिल रही है यह तो एडवांटेज ही हुआ ना पहले ऐसा नहीं था दूसरी बात है कि हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो विच इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्यू टू द दबसेंस ऑफ मीडिएटर तो कास्ट इफेक्टिव है मतलब कम है क्योंकि मीडिएटर तो है नहीं अबसेंस ऑफ मीडिएटर मीडिएटर का जरूरत है नहीं पहले क्या होता था भाई सिटी में मीडिएटर लगता था एक जगह ट्रांसमिट किया था सिटी मीडिएटर लगता था जितनी पास होते थे उनका अच्छा सिग्नल आता था लेकिन अब क्वालिटी वीडियो और ऑडियो की दोनों हाई है क्योंकि मीडिएटर की कोई आवश्यकता है ही नहीं इस वजह से क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है नेक्स्ट थर्ड कह रहा है कि ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड चैनल कैन बी व्यूड अलोंग द दो हज़ार रेडियो चैनल तो चार हज़ार चैनल टीवी चैनल और दो हजार रेडियो चैनल देखे जा सकते हैं किस पे डी टी एच पे दस द वर्ल्ड इंटायर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग न्यूज एंड एंटरटेनमेंट अवेलेबल ऑन द होम तो न्यूज़ इंटरटेनमेंट स्पोर्ट म्यूजिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कवरी सारे चैनल्स आपको तो मिल रहे हैं डी पे और तो पूरे वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन पूरे विश्व का इन्फॉर्मेशन आप बैठे बैठे अपने घर पे बाय द डी ले सकते हैं इसी वजह से इसका नाम डायरेक्ट टू होम है मतलब सारी चीजें डायरेक्ट आपके घर पर है इसी वजह से नाम है इसका डायरेक्ट टू होम और इसका लास्ट क्या है एडवांटेज वैसे तो लास्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं लेकिन यहाँ पे लास्ट है इस वजह से कह रहे हैं एज देयर आर नो मीडिएटर बीच में कोई मीडिएटर नहीं है अ कंप्लेन कैन बी डायरेक्टली एक्सप्रेस टू द प्रोवाइडर तो जो आपका कंप्लेन भी होता है वो भी प्रोवाइडर को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट आप प्रोवाइडर को अपनी कंप्लेन बता सकते हैं बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं कई सारे हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं कई आप मिस कॉल कीजिए या कॉल कीजिए या कंप्लेन कीजिए मैसेज कीजिए तो सर्विस प्रोवाइडर अपना फीडबैक लेने के लिए ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं कंपटीशन के लिए ठीक है तो इस तरह से डी सिस्टम का ये वीडियो समाप्त होता है आई होप आपको अच्छा लगा होगा और कोविड नाइन्टीन से बचें लेट्स प्लेस टू डिफीट कोविड नाइन्टीन घर पर रहें सेफ रहें और कोरोना वॉरियर्स का साथ दें अपने देश के जो है एक ऐसे ना नागरिक बनिए जो अपने देश का सहयोग करे महामारी के समय में हमें एक साथ रहना है और घर पे रहना है और कोरोना को हराना है थैंक यू दोस्तों धन्यवाद